बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब व्यूवर्स? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी, जो बहुत जल्दी और झटपट बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार होती है। चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी बनाने के लिए मैंने 1/2 kg मैक्रोनी ली है और इसे मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। सिर्फ नमक और ऑयल डालकर मैंने इसे बॉयल कर लिया था और बॉयल करने के बाद मैंने इस पर ऑयल लगा कर रख दिया है ताकि ये एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। एक मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है। एक प्याली मैंने गाजर ली है और इसे भी मैंने बारीक बारीक काटा हुआ है। एक प्याली ही बंद गोभी है। 4 हरी प्याज ली थी मैंने, उसका वाइट पार्ट मैंने ये अलग काटा है और उसका ग्रीन पार्ट को अलग रखा है। 4 अदद लहसुन के जवे थे, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। केचप हमें 4 to 5 टेबल स्पून चाहिए होगा। 3 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है। 4 टेबल स्पून चिली सॉस है। 4 टेबल स्पून सोया सॉस। 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर सफ़ेद सिरका। 2 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च। 1 टेबल स्पून नमक और 1 टी स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 2 मैंने शिमला मिर्च ली थी और उसे भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा कट कर लिया है। चलें अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो बारीक बारीक लहसुन चॉप किया था वो डाल रही हूँ। लहसुन थोड़ा सा हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर जो हरी प्याज का हमने वाइट पार्ट अलग काटा था वो इसमें शामिल करूँगी। लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, अब मैं इसके अंदर ये प्याज शामिल कर रही हूँ। हरी प्याज का जो ये वाइट पार्ट हमने इसमें डाला है, इसको हमने ब्राउन नहीं करना, इसका हमने सिर्फ कलर चेंज करना है। प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और अब इसके अंदर मैं जो आपको ये तीनों मसाले बताए थे वो डाल रही हूँ और थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मसाला भुन गया है, अब इसके अंदर मैं ये चिकन शामिल कर रही हूँ और चिकन शामिल करके हम थोड़ा सा भूनेंगे और फिर स्लो फ्लेम पर हम चिकन को गला लेंगे। चिकन को मैंने भून लिया है और अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बिल्कुल 3 से 4 टेबल स्पून, और इसको कवर करके मैं चिकन को अच्छे से गला लूँगी। चिकन हमारी गल गई है, अब इसके अंदर मैं ये एक प्याली गाजर ऐड कर रही हूँ और गाजर डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, ज़रा ज़्यादा टाइम लेती है बाकी सब्जियों के मुकाबले में, इसलिए इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं कवर करके पका रही हूँ। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, गाजर भी हमारी अब सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसके अंदर ये बंद गोभी ऐड कर रही हूँ, शिमला मिर्च डाल रही हूँ। शिमला मिर्च के बाद इसके अंदर मैं ये चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका और केचप 4 to 5 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स करके जो हमने इसमें बाकी सब्जियाँ डाली हैं उन्हें भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। सब्जियों को मैंने इसमें अच्छे से भून लिया है, अब इसके अंदर मैं ये मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ और साथ ही जो हमने हरी प्याज का जो हरा हिस्सा है उसको हमने काट कर अलग रखा था उसमें से मैं थोड़ी सी बस गार्निशिंग के लिए बचा कर बाकी सब इसमें ऐड कर रही हूँ और अब इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं कवर करके इसको 4 से 5 मिनट के लिए सिर्फ रख रही हूँ स्लो फ्लेम पर। हमारी चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी अब बिल्कुल रेडी है, अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार चिकन वेजिटेबल मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।